हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे सभी। अरे देखिए क्या है, पता नहीं क्या है, थर्मोकोल जैसा है, थर्मोकोल सीट जैसा। ये पहले इससे पतला पतला था, फर्नीचर के साथ बहुत सा आया था, उसे तो फेंक दिए, लेकिन ये मिला है दुकान में, ऐसा बहुत सामान में आता है। तो इसका मैं जा रही हूँ दिवाली के लिए कुछ आइडिया लगाने, डेकोरेशन के लिए। मोटा है होम एकदम। अरे पानी में डूबेगा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि दिए जलाने के लिए इसे बनाते हैं, वाटर कैंडल जलाने के लिए। सारा लैस और कपड़ा ब्लाउज सिलते हैं वो बचा हुआ, तो मैं सोची चलो उससे कुछ कुछ नया नया डेकोरेशन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है। यहाँ पर बैठ करके आराम से करते हैं काम। आप सबको भी दिखाना है कैसे कैसे बना रहे हैं, है ना। इससे और ये कप देखिए, ऐसा भी रखा हुआ है किरण वगैरह, ये सभी इसी से बनाते हैं अभी। कट जा रहा है आसानी से ही। से कम 3 पीस बनाते हैं। फेविकोल से ही साथ है, सब तो जाना चाहिए। से 4 पीस बनाएंगे और एक बड़ा बड़ा सा बनाएंगे। मैं कल दिखाते हैं आप सबको, ओके। देखिए जो बचे हुए लेस उससे बनाए हैं 4 पीस। कैसे लगाएंगे ये देखिए, इस तरह से ये बीच वाला रहेगा। 1, 2, 3, 4 दिए जलेंगे इसमें, और टब में आप सबको दिखाएंगे। टब तो अभी नहीं लाए हैं, दिखाएंगे कैसे उसमें जलाएंगे दिया। इसमें बड़ा दिया और इसमें छोटा छोटा दिया डालेंगे, बहुत सुंदर लगेगा। हाँ अच्छा लग रहा है देखने में, कैसा लगा मेरा आइडिया बताइए आप सब कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा मेरा आइडिया। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बन करके डेकोरेशन आइटम रेडी हो गया, और मैं इसे ट्राई करके देख रही हूँ कि कैसा ये लगता है। इसे टब में ले लिए हैं पानी भर करके और इसे सजा रहे हैं, और दिए तो मैं एक ही लाई हूँ क्योंकि अभी ट्राई करना है। और देखिए एक बड़ा सा बीच में दिया रख दिए हैं, और इसमें चाहे तो कलर पानी में डाल सकते हैं, गुलाब के पंखुड़ी या फिर गेंदे का फूल, जो भी है फूल का पंखुड़ी डाल दें, पानी थोड़ा ऊपर तक रखें तो अच्छा लगेगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, घर में
इस तरह से बना करके और दिवाली में सजा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस जब भी इस चारों में दिया जलेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा देखने में, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और टब भी मेरा कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और अब मैं चली सब्जी काटने, और देखिए कितना ताज़ा ताज़ा सब्जी मेरे घर में आया है, ढेर सारा सब्जियाँ। तो मैं सोच रही कि क्या काटूँ क्या बनाऊँ, गोभी भी है और ये ताज़े ताज़े बैंगन में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बैंगन। चलो बैंगन ही काट लेते हैं। ऐसा है कि बैंगन तो पसंद है लेकिन नुकसान की वजह से मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बहुत ही ताज़ा है देखने में, लग रहा है एकदम फ्रेश, लेकिन काटने के बाद बीच से ही कीड़ा। यार जब कीड़ा निकलता है ना तो फिर खाने का मन नहीं करता बैंगन। तो इसमें ना एक पीस कद्दू का टुकड़ा मैं इसमें मिला दी। कद्दू बैंगन और आलू ये मिक्स करके मैं वेजिटेबल बना रही हूँ आज। और ऐसा है कि किसी को बैंगन पसंद नहीं है तो किसी को कद्दू नहीं, खासकर छवि को कद्दू एकदम पसंद नहीं है। बैंगन में मिक्स कर दिया तो कोई खा लेगी। और सब्जी छौंकने के बाद में हम मसाला रेडी कर ले रही हूँ। मसाला तो मैं अभी पीस करके नहीं रखी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दिवाली का टाइम है तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं पीस कर रखूँ मैं मसाले, या फिर और भी कोई काम मैं नहीं कर पा रही। बस अभी खाना बनाने के बाद सिर्फ दीपावली का जो तैयारी है वही, और कोई काम नहीं। सुबह उठ करके और बस दिवाली की सर सफाई जो भी है घर का वही करना है, और नहाने के बाद फिर तो मन नहीं करता कि और कोई डस्ट वाला काम करें, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ खाना खाने के बाद। और वही डेकोरेशन ऐसा वाला काम मैं कर रही हूँ। पेंटिंग का काम जो था वो तो मैं कर ली, मैं जो घर के अंदर में था वो मैं कर ली, और दुकान में भी पेंटिंग का काम चल रहा है। तो अभी काम तो बहुत है, हस्बैंड दुकान में बिजी रह रहे हैं सुबह से शाम तक, पेंटिंग भी करवाना दुकान भी संभालना। अरे देखिए मेरा बन करके रेडी हो गया है सब्जी, इसमें पानी डाल करके ढक दे रहे हैं, थोड़ा सा दूध है, ऐसे तो आजकल चाय में ही ख़त्म हो जा रहा है दूध, और इसे ढक देंगे। सब्जी मेरा बन करके रेडी हो गया है, फिर बनाऊंगी मैं रोटी। और आकर के बैठ चुके हैं चाय पी करके, वो बैठे हैं तो उनके आने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है, जल्दी दो खा करके और आराम करेंगे सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है और साथ में अभी दिवाली का टाइम है तो सफाई और साथ में उनका अपना बिजनेस, मतलब डबल काम हो जा रहा है उनका भी या फिर मेरा भी, और सबका है घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग का अपना अपना घर में इस तरह का हो गया होगा। अभी दिवाली चुकी है, दिवाली में 15 दिन तो लोग सफाई में ही बिजी रहते हैं, पेंटिंग में ही बिजी रहते हैं, ऐसा त्यौहार ही है। और अगर दिवाली ना हो तो शायद कोई इतना सफाई भी ना करे। अच्छा लगता है त्यौहार आने पर, कम से कम इसी बहाने हमारा घर तो साफ़ सुथरा हो जाता है, अच्छे से हम लोग घर को तो सजाते हैं। बात बात में देखिए मेरा खाना भी बन गया, और अब निकालते हैं खाना। हस्बैंड को खाना मैं दे चुकी और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। आप सब में किन किन को पसंद है बैंगन की सब्जी और रोटी, आइए खाने के लिए। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, और नाइट का खाना ऐसे भी मेरे यहाँ सिंपल ही रहता है, बस रोटी सब्जी यही सब, क्योंकि नाइट में हल्का ही खाते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। और अभी दीपावली का टाइम है तो मैं अच्छी अच्छी डेकोरेशन वीडियो डालूंगी दीपावली पर। खाना खाने के बाद अभी देखिए इसी तरह से मेरा पड़ा हुआ है सारा सामान, तो इसे समेट करके रख लेंगे। और दूध मैं गर्म कर चुकी थी और इसे मैं दे दे रही हूँ पीने के लिए हस्बैंड को। छवि भी दूध नहीं पीती और मैं भी दूध नहीं पीती हूँ, अगर वो नहीं पियेंगे तो फिर दूध बच जाता है, मैं दूध इन्हें दे दे रही हूँ और सारा कुछ एडजस्ट करके रख दे रही हूँ। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा।